वेलकम टू माई चैनल वैदिक इनसाइट। मैं सोमा चक्रवर्ती अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। मैं अपने चैनल में आप लोगों को कुछ ऐसे ट्रिक्स बताने जा रही हूँ जिससे क्या होगा, मैथमेटिक्स कैलकुलेशन आपके लिए बाहें हाथ का खेल लगने लगेगा। कुछ ऐसे ट्रिक्स, कुछ ऐसे फॉर्मूलाज मैं बताऊँगी जिससे आप लोगों को स्क्वायर रूट निकालना, क्यूब रूट निकालना, बड़े बड़े मल्टीप्लीकेशन, डिवीज़न, कुछ भी आपको करना हो विद इन फ्यू सेकेंड्स के अंदर आप ओरली इसको कर सकते हैं। तो फिर चलते हैं, कुछ एग्जांपल देखते हैं कैसे हम करते हैं। चलिए पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मैंने एक नंबर यहाँ पे लिया हुआ है 37 × 33। आप भी कीजिए, हम भी करते हैं, आंसर लिखते हैं। द आंसर इज 1221। इजीली हो गया, विद इन फ्यू सेकंड्स मैंने किया। अगर आप लोगों को मैं ये बता दूँ कैसे करना है, आप लोग भी इतने ही आसानी से कर सकते हैं। ये एक फॉर्मूला बेस्ड है। फॉर्मूला क्या है, अगर इसका लास्ट नंबर जो दो डिजिट है उसका एडिशन अगर 10 होता है और पहला जो दो डिजिट है वो अगर सेम होता है तो ये फॉर्मूला लागू होता है। इसमें क्या है, 3 और 7, इसका सम आता है 10, और यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, सो ये फॉर्मूला यहाँ पे लागू होगा। चलिए इसमें पहले क्या करना है, 3 के साथ 7 को मल्टीप्लाई किए, द आंसर इज 21। और इसमें क्या करना है, 3 का जो आफ्टर नंबर है 4 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। 4 × 3 = 12, सो द आंसर इज 1221। इसी तरह से आप भी ट्राई कर सकते हैं, इतने ही इजी तरीके से आप अपनी इसको कर पाएंगे। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 45 से 11 को। आप लोगों को लगेगा कि हम याद करके इसको बैठाए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। फॉर्मूला बताते हैं, क्या करना है, आगे पीछे एक ज़ीरो बैठाना है और इसको प्लस करना है। 5 के साथ 0 प्लस किए, कितना आ गया 5। 4 के साथ 5 को प्लस किए, कितना आ गया 9। और इस 4 के साथ 0 को प्लस किए, कितना आ गया 495। द आंसर इज 495। बहुत ही आसान, बहुत ही आसान, आप लोग भी बहुत ही आसान तरीके से इसको कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, बड़ा नंबर का मल्टीप्लीकेशन। चलिए 1329 इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 9999। आंसर कितना आ जाएगा, 1329। बताएं इसका ट्रिक कैसे करना है, चलिए बताते हैं। पहले क्या करना है, 1329 के साथ 1 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 1328। अब क्या करना है, इस नंबर के साथ इसको माइनस करना है। 9 − 8 = 1, 9 − 2 = 7, 9 − 3 = 6, एंड 9 − 1 = 8। द आंसर इज 1 − 3 = 2 = 8 = 6 = 7 = 1। आसान है। चलिए एक स्क्वायर निकालते हैं। सपोज 45 का स्क्वायर निकालना है, आंसर कितना आएगा, 5 के साथ 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 5 = 25, और 4 के साथ क्या करेंगे, इसका जो आफ्टर नंबर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 5 = 20, सो द आंसर इज 2025। ये कोई ट्रिक्स नहीं है, ये क्या है, एक वैदिक मैथमेटिक्स है। वैदिक मैथमेटिक्स 16 सूत्र के ऊपर आधारित है जो श्री जगतगुरु श्री भारती कृष्ण तीर्था जी ने 1911 AD और 1918 AD के बीच में इन्होंने इन्वेंट किया। ये फॉर्मूला बेस्ड है, अगर आप ये फॉर्मूला जान जाएं तो सारे मैथमेटिक्स कैलकुलेशन आपके लिए बाएं हाथ का खेल होगा। अगर ये सारे फॉर्मूलाज आप जानना चाहते हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि इसके जो बाद के जो वीडियोस आएंगे उसमें मैं ये सारे डिटेल्स में बताने वाली हूँ। अगर आप लोग के पास अगर ये इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कि सबसे पहले आपके पास जाए, तो ज़रूर बेल आइकन को क्लिक कीजिए।